अमृतपाल सरेंडर करेंगे सर, आपको लग रहा है ऐसा? और सिख नहीं सरेंडर करते होते जी, किस संत जरनैल सिंह ने सरेंडर किया था? उसकी छाती के ऊपर 78 गोली लगी थी जी। किस सिख ने? क्या आप हिंदुत्व का राज हमारे ऊपर डाल रहे हो? मान साहब, जदों ने अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त तो बाहर चल रहे ने, 18 तरीक का मैं जिक्र कर ला, उस तो बाद कोई तोड़े नाल गलबात हो पाई उन्होंने? मैं क्यों दसा, हुई है कि नहीं हुई साडा तो पुछना जी, दसना जे वो रूपोश ने ते फिर वो रूपोश हैगे है, ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਕਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ SGPC ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, SGPC ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੇ तो फिर जो वो अपॉइंटमेंट करेंगे लोगों की वो जायज होगी नहीं जायज होगी? जो जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट है वो जायज नहीं हुई हुई SGPC के कानून के मुताबिक, ते वो सिक्खी की गल ही नहीं कर सकते। उन्होंने पूछो किहड़े सिख ने सरेंडर किया, कदे सिख सरेंडर किए? मैं नेपाल के बॉर्डर से फड़िया गया सीगा, मैं कोई हाथ खड़े किए की? जथेदार जथेदार नहीं मानते सर? मैं यह जी गल नहीं करना चाहता। जथेदार हाँ जी, NSA नजायज है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया, जे सबूत हुंदा उसके खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ, दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ, पप्पल प्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदी दस्ती NSA के विच उन्होंने फसाया गया है, जिहड़ा गैर कानूनी है। जो ईमान सिंह ने हुणे तुहानूं दस्सिया है कि UN के कानून के खिलाफ है, इहो जिहे कानून के थले किसी की आजादी को खत्म कर देना। सर, ये फोर्स जो लगी है, पंजाब पुलिस कह रही है कि यहाँ पर भी आ सकता है अमृतपाल और आपकी स्टेज का भी इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी जानकारी तुहाडे सामने तुसी इत्थे बैठे रहे हो, जे आया तो देख लियो फिर, है ना? पता नहीं की अजीब गल है यार। शक दे नाल हुण हुकूमत नूं शक होया पिया, हुण जदों शक होया है ते इहो जी कमलियां गल्लां करी जांदे, हुण आपां की करिए? शक दे आधार दे उत्ते तां नहीं ना आपां कुछ कह सकदे, ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ 1947 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਵਹਿਮ ਹੁਆ ਹੁਆ। ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। जलंधर का इलेक्शन असी जितने, कोई उत्थे पार्टी साढ़े मैदान के मुकाबले दे विच नहीं हैगी। मान साहब, मुख्यमंत्री साहब को क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर जो कर रहे हैं अभी, अमृतपाल को लेकर, पप्पल प्रीत को लेकर, तमाम लोगों को लेकर? इनका असर बहुत बुरा होगा मान साहब के ऊपर। कैंडिडेट हमारे गुरजंट सिंह जी कट्टू है, वो कांशी राम जी के साथ उन्होंने काम किया है। जो कांशी राम जी ने मायावती जी ने कैद कर लिया सीगा, फिर वो साड़ी पार्टी दे विच आ गए सीगे। और दूसरी गल है, तुहानू शक पै रहा है, जिहड़ा शक पै रहा है ना कि साड़ी पार्टी ने बहुत लोग सिख बाहर भेजते हैं, ये तुहाडा शक बिल्कुल ठीक है। मैं हुण 78 साल का अगले महीने हो जाना है,
78 साल तो बाद मैं ज्यादा काम नहीं कर सकना। जेड़ा मेरा निशाना सी कि मैं खालिस्तान बनाऊंगा, शायद मेरी उम्र दे विच खालिस्तान ना बने, पर एक चीज मैं मरण तो पहला कर चुके हैं कि सारे मुल्कां दे विच मैं इन्ने सिख हजारां नूं पनाह देती है कि जे हिंद हुकूमत साडे ते कोई भी जुल्म करूगी, सारी दुनिया दे विच इंडिया दे सफीर खाने बंद हो जाएंगे। मेरा यही है जो मैं अपनी 40 साल की जद्दोजहद सिख कौम नूं दे के चलिया। वाहेगुरु जी का खालसा। अमृतपाल दे लई की सुनेहा जी, जेकर सुन रहे होवे तुहानूं अमृतपाल दे लई तुहाडा की सुनेहा रहेगा? अमृतपाल का सरेंडर थोड़ी होना है, किसने सुनेहा की रहेगा जी? सरेंडर नहीं होना है, नहीं होना सरेंडर तो क्या नहीं जी, सुनेहा की है ना, सरेंडर नहीं होना, वो स्नेहा मेरा।